अगस्त क्रांति के बैनर तले नई गढ़ी तहसील कार्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार नई गढ़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पर सौंपा गया। मुख्य रूप से नई गढ़ी क्षेत्र सहित रीवा जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे नई गढ़ी तहसीलदार सहित नई गढ़ी जेई के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। जेई के द्वारा एक हफ्ते का समय दिया गया जले हुए ट्रांसफार्मर को एक हफ्ते में बदलने की बात नई गढ़ी नायब तहसीलदार प्रवीण पटीदार के द्वारा सभी समस्याओं को जिला कलेक्टर के पास यह ज्ञापन को भेजने की बात की गई। साथ ही जो समस्याएं तहसील स्तर की हैं वह जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। यहाँ पे आप सबसे छुपा नहीं है कि सितंबर महीना पानी पीने तक को नहीं है। 90% से ज़्यादा खेत सूखे पड़े हैं, एक भी दाना अनाज का नहीं बोया गया। चारों तरफ सूखा के कारण किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कई किसानों की ये स्थिति है कि उनके आगे के खर्चे का किसी तरह से उन्होंने बीज लेके हिम्मत दिखा के और सिंचाई करके उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत फसल लगाई थी, खासकर जो बहुत एकदम जीवट लोग हैं हमारे यहाँ के। लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक लोग नहीं, कुछ लोगों ने सोचा था कि कुछ सिंचाई करके एकड़ दो एकड़ में धान पैदा करेंगे। छः छः महीने साल साल से ट्रांसफार्मर जले हैं। उसकी हमारी मांग है कि तत्काल पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जब ट्रांसफार्मर साल साल से जले हुए हैं तो आखिर वो लोग कौन सी बिजली विभाग, प्रशासनिक विभाग, रीवा कलेक्टर और ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव बता दें कि वो ऐसी कौन सी विधा है कि जब करंट ही नहीं, ट्रांसफार्मर ही नहीं, तो लोग कैसे लाइट जलाते हैं। उनको निरंतर बिजली का बिल दिया जा रहा है। नोटिस अभी आपने देखा, एक पटेल जी आए हैं, 56,000 रुपये का नोटिस और उनके ट्रांसफार्मर को जले एक हुआ। तो तत्काल जिन्होंने ऐसे बिल बनाए हैं उन पर FIR हो और सारे किसानों के बिजली के बिल माफ। अवैध शराब बिक्री और सूखाग्रस्त घोषणा और जो भी इनकी समस्याएं थी निजी तौर पे, जैसे नल जल वाली योजना है, बाकी जो जनपद में जो कार्य है उनकी एक उच्च स्तरीय मांग की जाए, इस प्रकार की जो मांगे थे उनको मैं आज ज्ञापन के द्वारा लिया गया है और इसको ज्ञापन को जो है कलेक्टर माध्यम CM अभी इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों की मांग की जा रही है, लेकिन आपने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। नहीं, बिजली विभाग किया है फ़ोन, आने का बोला है उन्होंने, आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? 10-15 मिनट का बोला दिया गया कई समस्याओं के संबंध में, निराकरण करने का आप आश्वासन दिए हैं, कितने दिन में निराकरण हो पाएगा, क्या क्या समस्याएं हैं? आज जैसे आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार महोदय को और मुझे दिया गया है, जो ज़्यादातर मुख्य समस्या है जले हुए ट्रांसफार्मर की, जो शासन के नियम में उन ट्रांसफार्मरों को हम लगभग अभी बदला ही रहे हैं और जो बचे हुए हैं बैलेंस, एक सप्ताह के अंदर हम समस्त ट्रांसफार्मर बदल लेंगे। कई ऐसे गांव हैं जहां केबल की भारी समस्याएं हैं, कई वर्षों से केबल ख़राब हैं, जली हुई हैं, लोग खंभे में खुला तार खींच के या तार खरीद के लगाए हुए हैं, उन केबलों को कब तक आप चेंज करा पाएंगे? जली हुई केबल का हम लोगों ने सर्वे कर लिया है मोबाइल ऐप के माध्यम से, लगभग ये एक साल के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। जो जली है केबल कम क्षमता की लगी हुई है, नंगे तार है। अभी एक साल तक वहाँ लाइट नहीं जल रही है तो क्या निदान निकालेंगे उसका? वर्तमान में अपन सुधार करके उसी पुराने व्यवस्था में अभी अपन बना के सभी के घरों में बिजली प्रवाहित कर रहे हैं। जहाँ पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से केबल जली हुई है, लाइट नहीं जल रही है, बिल आ रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? केबल जो जली हुई है उनको बना सुधार के अपन बिजली दे रहे हैं। कब तक सुधार कार्य करवा पाएंगे? लगभग एक साल के अंदर अंदर इसका टेंडर होगा, बड़े पैमाने पे होगा।